अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि मुल्क में हालात में इमरान खान साहब को आज गिरफ़्तार किए जाने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। और यही हो रहा है कि आज लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब किया, वो 2 बजे उन्होंने पेश होना था, ना हो सके, ताखीर हुई तो लाहौर हाईकोर्ट ने वार्निंग जारी कर दी कि 5 बजे अगर खान साहब जो हैं वो ना पहुँच सके तो उनकी जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त ज़ेर समात है इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में, ये मनसूख कर दी जाएगी और फिर किसी भी वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। पीटीआई को लगता है कि शायद लाहौर हाईकोर्ट में बुलाकर खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, इसलिए इमरान खान साहब पहुँचे तो हैं, अभी वो पहुँचे हैं, ताखीर से पहुँचे हैं और पूरा लाओ लश्कर लेकर पहुँचे हैं। वो लाओ लश्कर लेकर जाने की वजह यही है कि उनको लगता है कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा और ये जो लाओ लश्कर उनके साथ है, इतनी बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के साथ हैं, उनका यही मकसद है कि अगर खान को गिरफ़्तार किया गया तो हम भी अपनी गिरफ़्तारियाँ देंगे और वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ आज से ही हो जाएगा। वैसे तो उन्होंने 22 फरवरी का कहा है, लेकिन वो आज से ही हो सकता है अगर खान को गिरफ्तार किया गया तो। इस हवाले से हालात जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं और जमान पार्क में भी इस वक्त कारकुनों का रश पहुंच रहा है और लाहौर हाईकोर्ट के बाहर भी, और एक अजीब अफरा तफरी का जो है वो माहौल है। इसी चीज़ का एक नया जो रुख भी सामने आया वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत के साथ बातचीत करनी थी इंतखाबात की डेट देने के लिए, लेकिन उन्होंने ना कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हम सदर मुमलिकत के साथ कोई बात नहीं करेंगे, ये केसेज जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं, उनके फैसले आने के बाद हम मुशावरत करेंगे, बल्कि मुशावरत हमने करनी ही नहीं है सदर के साथ। इसलिए सदर साहब जो है वो खुन्नस में आए हैं, गुस्से में आए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 को मद्देनजर रखते हुए उसके सेक्शन 57 के तहत खुद साख्ता ऐलान कर दिया कि 9 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात किए जाएंगे, यानी करवाए जाएं और इलेक्शन कमीशन इसका पूरा जो है वो फ्रेमवर्क बना कर दे। इंतखाबात होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की, यानी ये जो निगरान सेटअप है इनके ज़ेर इंतज़ाम जो इंतखाबात होने थे, जो असम्बलियाँ डिसॉल्व हैं, यानी जनरल इलेक्शन की बात नहीं हो रही। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट से एक क्लियर हो रही बात, वो ये कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तरह जो है वो पेश आ रहा है। खान साहब जो बात करते थे कि हमें बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है, जानबूझ के हमारे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का पूरा हमला जो है वो हमें टारगेट करने के चक्करों में, तो नज़र तो यही आ रहा है और ये खान साहब की इस बात को जो है वो तकवीत मिल रही है कि बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस होकर काम कर रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखें कि पहले आपके वज़ीर ख़ारजा एक बयान देते हैं, वज़ीर दिफा ने एक बयान दिया और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आया, वो बयान में आपके सामने रखो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े हैरान कुन है। आपके वज़ीर दिफा कहते हैं कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। ये वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया और अफरा तफरी मच गई, हलचल मच गई अपनी हुकूमत के ईवानों में भी, सफ़ों में भी, कि यार जनाब ये क्या कह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना साहब इस चीज़ से नाराज़ हुए। आज जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा लेकिन मुश्किल हालात में है। अब ये मुश्किल हालात में ये जो उन्होंने कहा है ना, आपने ये देखा होगा कि बड़ा महंगा सूट उन्होंने पहना था, बड़े महंगे कफलिंग्स लगाए थे, शूज़ बड़े महंगे पहने थे, महंगी टाई थी और आपने बड़े महंगे शूज़ पहनकर, बड़ी महंगी टाई पहनकर, बड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाकर आपने ये बात की, जबकि मुल्क की बात कर रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल में है, जबकि आपने इतने महंगे ब्रांड्स और इतने महंगे जो हैं वो अपना बनाव संहार किया हुआ है, आपको ये जचता है ये बात करते हुए? ज़रा ख़ुद सोचें, पाकिस्तान की इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानियों को खाना नहीं मिल रहा, आटे से जो है वो बेचारे परेशान हैं और महंगाई इस कदर हो चुकी है कि यकीन माने अब बड़े बड़ों की चीखें निकल आई हैं। और आप जो है, क्योंकि आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो पेट्रोल भी मुफ्त है, आपको दौरे भी मुफ्त हैं, आपके प्रोटोकॉल्स भी मुफ्त हैं और आपकी अफसरशाहियाँ तो लगी रहेंगी, पिसेगी कौन? पाकिस्तानी अवाम। और ये हालात जो हैं ये जानबूझकर आप बना रहे हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, इलेक्शन कमीशन को आपने मोहरा बनाया हुआ है और ख़ुद आकर ये बयान दे रहे हैं मौशियत के हवाले से। यानी पाकिस्तान अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है ना, यहाँ पर मौशियत सही तरीके से चल रही है ना सियासत सही तरीके से चल रही है और अखलाकियात तो बिल्कुल ही नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। आपने सोचना है, मैंने सोचना है कि हमने आइंदा पाकिस्तान को किस रुख की तरफ, क्योंकि ये सियासतदान, ये हुक्मरान ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हमने पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या रखनी है। हर बंदा आओ लूटो खाओ और इसी चक्कर में लगा हुआ है। पाकिस्तान की अवाम आप हैं, पाकिस्तान के मालिक आप हैं, हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान के ऊपर कौन मुसल्लत होगा और पाकिस्तान को कौन चलाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।